हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? आई होप अभी तक जो हमने टॉपिक करे हैं जेनेटिक्स के अंदर, वो सबके अच्छी तरह से क्लियर हैं, सबको समझ में आ गए हैं। यस, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डाल के मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूंगी आपको। या गुड आफ्टरनून परी। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजीसी नेट सीएसआईआर की अगर आप सच में बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की जो प्लस ऐप है, अनअकैडमी प्लस, वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है? जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे टीचर्स हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इन सभी की क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है? तो आप यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? जो 12 मंथ्स की फ़ीस है वो आपकी 11,550 है, जो बहुत ही इकोनॉमिक है। मंथली अगर देखें तो सिर्फ 963 रुपीज़ पर मंथ आपको पड़ रही है। अगर आप MSc प्रीवियस में हैं, ठीक है, तो ये 24 मंथ्स वाला जो प्लान है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये 700 रुपीज पर मंथ सिर्फ आपको कॉस्ट कर रहा है। ओके गाइज, सो ये करने के बाद आप इस नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा एंटर रेफरल कोड। तो आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं Priyanka10। ये डाल के अप्लाई करने पे आपको ये जो रेट पहले 11,550 था इसके ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है? अब आपको सिर्फ 10,300 रुपीज जो है यहाँ पे आपको पे करने हैं, 10,395। इसको आप EMI से भी पे कर सकते हैं। ओके गाइज, सो एंड वन मोर थिंग, कल से, कल सुबह 8 बजे से, ठीक है, अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी नोट्स हैं वो सब अवेलेबल होंगे। हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे साथ में, बीच बीच में वहाँ पे डाउट सेशंस भी होते हैं, ठीक है, और क्विज वगैरह भी ऑर्गेनाइज होते हैं, तो काफ़ी एंटरटेनिंग होगा आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा आपका जो नॉलेज का लेवल है वो इंक्रीज करने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं मेरे अलावा भी जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है? और मेरा रेफरल कोड डालने पर आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है? सो आप शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है गाइस? सो क्रोमोसोमल एब्रेशन बेसिकली क्या होते हैं? या गुड आफ्टरनून नेहा, या गुड आफ्टरनून आयात। ओके, सो हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन समझते हैं कि क्या होते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब है कि जो हमारा DNA सीक्वेंस है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, उसके अंदर फेर बदल अगर कोई हो जाए तो उसे क्रोमोसोमल एब्रेशन कहेंगे। वो किस किस वजह से हो सकता है अगर हम देखें, या तो वहाँ पे कुछ डिलीशन हो जाए, या फिर डुप्लीकेशन हो जाए, या फिर इन्वर्जन हो जाए, या ट्रांसलोकेशन हो जाए, ठीक है? क्रोमोसोम के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं उनमें ये कोई सा भी इवेंट अगर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको कि क्या होता है। यहाँ पे सपोज ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर जीन्स का सीक्वेंस हमने बता रखा है ABCDEF। ओके, ये हमारे जो जीन्स है उनका सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है, और ये इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम एक और है, ठीक है? ये दोनों के दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब डिलीशन हुआ और एक जो क्रोमोसोम है उसका ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है? अब ये डिलीट होने की वजह से कई सारे चेंजेस इस पर्टिकुलर सेल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है? जो हम देखते हैं, फर्स्ट थिंग तो है स्यूडो डोमिनेंस जो हम देखेंगे, ठीक है? स्यूडो मतलब क्या हुआ, स्यूडो इज फॉल्स। ओके, स्यूडो क्या होता है, फॉल्स, और डोमिनेंस आपको पता ही है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉल्स डोमिनेंस हो जाएगा किनका, ये जो पर्टिकुलर जीन्स है, सपोज जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम था उसके ऊपर पहले रेसेसिव जीन्स थे सारे के सारे, ठीक है? ये जो जीन्स है पहले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है इसके ऊपर कैसे डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट थे और ये अपने आप को एक्सप्रेस करके जा रहे थे, ठीक है? जो इनके एक्सप्रेशन से है
इस पर्टिकुलर सेल का या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेट है वो डिसाइड होके जा रहा था। बट अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये डोमिनेंट वाले जो पर्टिकुलर जीन्स हैं ये तो डिलीट हो गए हैं, तो अगर ये डिलीट हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये डिलीट हो जाएंगे तो जो ये रेसेसिव वाले थे, ठीक है, यहाँ पे सी तक प्रेजेंट है तो यहाँ तक तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये जो तीनों के तीनों हैं अपना अब एक्सप्रेशन शो करेंगे, और इनकी एक्सप्रेशन की वजह से ये जो जीन जिस भी ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रेट हमको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से अब ये अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन जनरली कौन शो करता है, डोमिनेंट वाले करते हैं, बट यहाँ पे रेसेसिव वाले भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्यूडो डोमिनेंस। तो ये किस वजह से हुआ, डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, या गुड आफ्टरनून मिसेस पुरी, गुड आफ्टरनून शुभम। ओके, सो स्यूडो डोमिनेंस ये होता है। इसके अलावा डिलीशन की वजह से और हम क्या देखते हैं, कई कंडीशंस में क्या होता है, जो दोनों के दोनों अलील्स हैं उस पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम है दोनों के ऊपर अलील्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, हैप्लॉइड ऑर्गेन सॉरी डिप्लॉइड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में जो दोनों के दोनों सेट हैं क्रोमोसोम के, जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये वाले, इन दोनों के जो जीन्स हैं वो मिलके कोई ट्रेट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने QTLs की बात की थी, ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में रेसेसिव और डोमिनेंट वाला ही रिलेशनशिप हो सकता है कुछ जो है कंट्रीब्यूशन ये वाले अलील दे रहे हो और कुछ कंट्रीब्यूशन ये वाले अलील दे रहे हो, वो वाली कंडीशंस भी बहुत जगह पे होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये वाला पर्टिकुलर पार्ट डिलीट हो गया तो ये जो अकेले हैं ये अपना ट्रेट उतना अच्छे से ये शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये जो ट्रेट है ये उतना अच्छे से शो नहीं होगा, इसका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से शो नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है अब इस वाले क्रोमोसोम का ही हैप्लॉइड रह गया। डिप्लॉइड कब होता है, अगर इस अलील की एक और कॉपी होती, लेकिन ये हैप्लॉइड रह गया है। और इनसफिशियंसी का मतलब है उतना सफिशियंटली अब ये अकेला ट्रेट को शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड इनसफिशियंसी, ठीक है। तो ये भी किस वजह से हुआ, डिलीशन की वजह से, क्योंकि इसके जो होमोलोगस अलील्स थे वो क्या हो गए, डिलीट हो गए। ओके गाइस, इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं हैप्लॉइड इनसफिशियंसी का। जो एक ड्रोसोफिला है उसके अंदर जो नॉर्मल विंग्स बनाने के लिए जैसे हमने डिस्कस किया था, वीजी जो जीन है, वीजी प्लस, ये क्या करता है, नॉर्मल विंग्स बना के जाता है, नॉर्मल विंग्स बनाता है किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है। तो ये जो वीजी प्लस है ये अगर एक जो इसका पर्टिकुलर जो अलील है, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है दोनों के पास वीजी प्लस है पहले, अब एक का अगर डिलीट हो गया, ये वाला सपोज डिलीट हो गया, तो ये जो अकेला है वो प्रॉपर नॉर्मल विंग्स फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, नॉर्मल विंग्स फॉर्म नहीं कर पाएगा। ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, हो सकता है मल्टीपल अलील्स इस ट्रेट को डिसाइड करके जा रहे हो, बट अगर ये एक जीन यहाँ पे डिलीट हो गया, एक भी अगर जीन इनमें से डिलीट हो गया तो ये नॉर्मल विंग्स नहीं बना पाएगा। अब कैसे बनेंगे, नॉची विंग्स बनेंगे, ठीक है, इस तरह के नॉची विंग्स ये बन के जा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ये भी एक किस चीज का रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड इनसफिशियंसी, ठीक है, और ये डिलीशन की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या था, डिलीशन। सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड वाला है ड्यूप्लीकेशन, ठीक है। ओके गाइस, सो ड्यूप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है उनमें से कुछ जो जीन्स हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपीज उसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएं, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये हमारा जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम से इनका सीक्वेंस यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट था DEF वाला, ये इसके अंदर तो नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे इसकी 1 और 2 कॉपीज बन गई हैं, ठीक है, इसकी 2 कॉपीज बन गई है, इसे क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट कॉपीज हो गई इन जीन्स की एक ही क्रोमोसोम के ऊपर,
ठीक है। और ड्यूप्लीकेशन की वजह से क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल अगर हम ले ड्यूप्लीकेशन का, ठीक है। ड्यूप्लीकेशन किसके अंदर देखा गया, बार आई इन ड्रोसोफिला। बार आईज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो हम मान रहे हैं कि बी है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल जीन्स हैं, दोनों एक एक कॉपी प्रेजेंट है दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स के ऊपर, तो हम क्या देखेंगे, क्या डेवलप करके जा रहा है, नॉर्मल आईज, ठीक है। लेकिन अगर एक भी क्रोमोजोम पे दो कॉपी आ गई इसकी, ठीक है, तो आईज के अंदर जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है, उसका हल्का हल्का सा जो अंदर वाला पार्ट है वो ऐसे इलांगेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आई है, इसके अंदर ये चेंज शुरू हो जाएगा, यहाँ पे दो कॉपीज प्रेजेंट है एक क्रोमोजोम पे। सपोज दोनों क्रोमोजोम पे अगर दो दो कॉपीज प्रेजेंट हो, ठीक है, तो आई शेप के अंदर और चेंज आएगा, ये अंदर वाला पार्ट और ज्यादा इसका जो है श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर तीन कॉपीज इसकी आ जाएं एक क्रोमोसोम पे और एक क्रोमोसोम पे यहाँ पे कुछ और कॉपीज प्रेजेंट हैं, तो अगर मल्टीपल कॉपीज आ जाएं, दोनों ही क्रोमोसोम्स पे मल्टीपल कॉपीज आ जाएं, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगी, बार आए, ठीक है। ये बिल्कुल एक छोटी सी लाइन की तरह ऐसे दिखाई देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बार आए इन ड्रोसोफिला। सो बार आए इन ड्रोसोफिला इज अ कैरेक्टर ऑफ ड्यूप्लीकेशन ऑफ जीन्स इन द ड्रोसोफिला, ओके। सो अब थर्ड वाले क्रोमोसोमल एबरेशन पे आते हैं, जो कि है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन अगर हम देखें तो इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, कि जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाए या फिर वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब जो इन्वर्जन है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरासेंट्रिक, ओके, और एक होता है पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, पेरीसेंट्रिक का मतलब हुआ कि जो सेंट्रोमियर है उसके दोनों तरफ ये इन्वर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे है जी एच आई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ए बी सी है, ये वाला ए बी सी, ठीक है, ये उधर चला गया है, ठीक है, और उधर से जी और एच जो है वो इधर आ गया है। तो रिजल्ट क्या बन गया, देखिए आई तो वहीं पर प्रेजेंट है, ए बी सी इनवर्स सीक्वेंस पे यहाँ पे आ गया है और जी एच यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, मतलब कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है जीन सीक्वेंसेस का अराउंड द सेंट्रोमियर, ठीक है। इसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ इन्वर्जन होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक और होता है पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होगा, ये वही सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे उसी पर्टिकुलर आर्म के अंदर हो रहा है इन्वर्जन, लेकिन बस इसका जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गया, ए बी सी डी की जगह ए डी सी बी, मतलब कि ये कैसा हो गया, रिवर्स हो गया, इस डायरेक्शन में रिवर्स यहाँ पे कॉपी इसकी बन गई। मिसेस पुरी, ड्रोसोफिला वाले के अंदर मैम जितनी डुप्लीकेट कॉपीज बार जीन की बनती जाएंगी, ठीक है, उसके अंदर जो आईज का शेप है वो श्रिंक होता जाएगा, और जब मल्टीपल कॉपीज ज्यादा बन जाती हैं तो एक बस खाली लाइन जैसी उसकी आईज के अंदर बन जाती है, ठीक है, और उसको हम बार आई कहते हैं, ठीक है। तो यह ड्यूप्लीकेशन की वजह से ये होता है। आई होप अब क्लियर हो गया है, ठीक है गाइस। सो फोर्थ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन इज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, नॉन होमोलोगस, अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे सभी के अंदर कौन से वाले क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व थे, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब है ये भी क्रोमोसोम वन है और ये भी क्रोमोसोम नंबर वन है, और नॉन होमोलोगस का मतलब है क्रोमोसोम नंबर वन और कोई सा भी दूसरा, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर थ्री, ठीक है, ये दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है या फिर जो ट्रांसफर होता है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। ये भी दो टाइप का होता है, रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या होता है रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ पे ये जीन का सीक्वेंस है ए बी सी ई एफ जी पी क्यू आर वाई एक्स वाई जेड, ये दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। ये हम पता लगा सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर जो जीन्स का सीक्वेंस है वही अलग है, तो दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट था पहले,
ई एफ जी, ठीक है, एफ जी की जगह ये जो लास्ट वाला वाई जेड था ये तो इसके ऊपर आ गया है, और इसका जो एफ जी था वो इसके ऊपर आ गया, मतलब इनमें इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है, कुछ जीन्स, तो इसे क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, मतलब दोनों में एक्सचेंज हुआ है, दोनों क्रोमोसोम्स के पास जीन्स गए हैं एक दूसरे के, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर इसके जो पर्टिकुलर जीन्स थे, यहाँ वाले जो जीन्स थे वो सबके सब दूसरे के पास चले गए, इसके पास कुछ भी नहीं आया, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, नॉन रेसिप्रोकल, मतलब दोनों के अंदर इंटरचेंज नहीं हुए, एक से दूसरे पे शिफ्ट हो गए, वो क्या होगा, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ओके, विंग्स वाला समझ में नहीं आया आपको, विंग्स वाला मैम हैप्लॉइड इनसफिशिएंसी का मतलब होता है कि पहले दो जीन्स थे, दो अलील्स प्रेजेंट थे, एक बार हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए आप, इससे आपको समझ में आएगा, सपोज ये जो यहाँ पे जीन्स है बी और सी यहाँ प्रेजेंट है, और इसके पास ये वाले जो जीन्स है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जब इसके पास ये जीन्स प्रेजेंट नहीं है और पहले जब ये ट्रेट को शो करके जा रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये दोनों के दोनों जीन्स जो है मिल करके कोई ट्रेट को शो करते हैं, ठीक है, अगर इनमें से एक भी कम हो गया तो वो जो ट्रेट है वो अकेला ये वाला प्रॉपरली शो नहीं कर पाएगा, इसी को हैप्लॉइड इनसफिशिएंसी कहते हैं। तो विंग्स के अंदर क्या है, अगर एक ये वाला डिलीट हो गया तो ये अकेला जो है विंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है अकेला नॉर्मल विंग्स नहीं बना पाएगा, तो कैसे विंग्स बनेंगे, ऐसे नॉची विंग्स बनेंगे, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर जो नॉर्मल विंग्स होते हैं पूरे के पूरे वो इस तरह से नॉर्मल विंग्स बनते हैं, लेकिन ये नॉर्मल विंग्स नहीं है, इनको क्या कहते हैं, नॉची विंग्स कहते हैं। आई होप अब क्लियर है मैम। ओके ओके गाइज, एक और अफेक्ट होता है रॉबर्टसोनियन अफेक्ट, जो कि डिफरेंट स्पीशीज के अंदर देखा गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसके अंदर देखा गया है, चिंपैंजीज के अंदर जो है 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और चिंपैंजीज के पास बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो ह्यूमंस के पास उनकी सिंगल सिंगल कॉपीज हैं और चिंपैंजीज के अंदर उनकी डबल ट्रिपल कॉपीज प्रेजेंट है, ठीक है, डुप्लीकेटेड कॉपीज प्रेजेंट है चिंपैंजी के जीनोम के अंदर, सो इसे क्या कहते हैं, रॉबर्टसोनियन अफेक्ट, मतलब कि इवोल्यूशन के टाइम पे अब ये जो है इसके अंदर चेंजेस आ गए, डुप्लीकेटेड थे पहले फिर सिंगल रह गए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, रॉबर्टसोनियन अफेक्ट। ओके गाइस, अब हम आते हैं प्लॉइडी पे, ठीक है, प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि कोई भी क्रोमोसोम का नंबर है उसके अंदर जो चेंज होंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, ये टू टाइप्स की होती है प्लॉइडी, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर जो है हमारा, जैसे ह्यूमंस में 46 है, इसमें अगर ये 45 हो जाए या फिर ये कितना हो जाए, 47 हो जाए, ठीक है, इस तरह की जो चेंजेस हैं वो, ठीक है, अब इसमें दो टाइप की होते हैं, फर्स्ट इज यूप्लॉइडी एंड सेकेंड इज एन्यूप्लॉइडी। ओके, यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज आता है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस डिप्लॉइड है 2n है, ठीक है, तो अगर कोई एक नॉर्मल जो एनिमल है या फिर कोई प्लांट सेल है वो n है, ठीक है, और अब वो 2n हो गया, ठीक है, अब वो 2n हो गया, तो इसी के इस वाले पर्टिकुलर फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर दो सेट प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पॉलीप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर 3n 4n मल्टीपल जो सेट हैं वो क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा यूप्लॉइडी को देखा गया है, ठीक है, इनफैक्ट प्लांट्स के अंदर पर्पसली जो पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस किया जाता है, एक केमिकल आता है जिसका नाम है कोल्चिसिन, ठीक है, कोल्चिसिन नाम का एक केमिकल आता है, वो किसी भी अगर प्लांट के ऊपर ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस हो जाती है। पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब होगा, पॉलीप्लॉइडी का मतलब होगा सपोज ये प्लांट पहले 4n था, अब ये 8n हो जाएगा, या फिर इसके अंदर कई वेरिएबल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, n का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, और 4n का मतलब क्या है, उसी क्रोमोसोम के चार सेट है, जैसे कि ह्यूमंस की ह्यूमंस क्या है, 2n है, मतलब हर एक क्रोमोसोम के
दो कॉपीज प्रेजेंट है, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है, दो क्रोमोजोम है, ठीक है। ये क्या इसमें आते हैं, यूप्लॉइडी के अंदर। और एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी के अंदर एक दो या तीन, मतलब कि कुछ क्रोमोजोम्स होंगे जो कि या तो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, उनकी डबल कॉपीज आ जाएंगी, या फिर कुछ जो होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। मिसेस पुरी, मुझे क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो रहा है। बाकी जो तीन टाइप हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मिसेस पुरी इस वाले में, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं यूप्लॉइडी को, ठीक है। सबसे पहले अब हम देखते हैं यूप्लॉइडी को। तो यूप्लॉइडी के अंदर अगर सपोज हम नॉर्मली देखें तो हैप्लॉइड किसे कहते हैं, एन को। डिप्लॉइड कहेंगे 2n को, इसी तरह ट्रिप्लॉइड कहेंगे 3n को, ठीक है, एंड सो ऑन। पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। पॉलीप्लॉइड जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है ऑटो पॉलीप्लॉइड, एक होता है एलो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड क्या होता है, जब जो पेरेंट है, ठीक है, वो प्योर है और उसी की दोनों कॉपीज बन गई हैं, ठीक है, उसी की, जो उसी के अंदर क्रोमोसोम थे, सेम टाइप के क्रोमोसोम्स थे, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जो अलील्स हैं वो भी सेम है और उसकी मल्टीपल कॉपीज बन गई हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ऑटो पॉलीप्लॉइड। और सपोज ये एक पर्टिकुलर प्लांट वन है, ठीक है, और ये प्लांट टू है, इनके बीच में क्रॉस कराया तो ये ऑफस्प्रिंग वन आ गई। इस ऑफस्प्रिंग को, इसके अंदर दोनों के जो क्रोमोसोम्स है, ये वाले और ये वाले, दोनों का एक एक सेट आ गया। अब इसको अगर हम इंड्यूस करवाएं और इसकी अंदर पॉलीप्लॉइडी आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, एलो पॉलीप्लॉइड, जिसके अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज के जो क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी दो डिफरेंट वेराइटीज के, स्पीशीज के अंदर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होती है ईजी वे में, ठीक है, वो इंड्यूस करनी पड़ती है। जनरली ये दो वेराइटीज के बीच में क्रॉस हमने करवाया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन गया है, एलो पॉलीप्लॉइड बन गया है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, एलो पॉलीप्लॉइड। ओके गाइज, समझ में आ रहा है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स। अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करके जाते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, अगर ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो उसके अंदर टोटल कितने आएंगे, 46 क्रोमोसोम। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं गाइज, ये याद रखने वाली बात है। एक तरह से तो ये इस तरह से लिख सकते हैं कि 44 इसके अंदर क्या है, ऑटोसोम्स है प्लस XY, ठीक है। या फिर हम इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, 46 क्रोमोसोम्स कॉमा यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है बीच में, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। किस तरह से, आपको जब कई बार क्वेश्चन पूछा होता है, आंसर के अंदर ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप कंफ्यूज होके कोई गलत टिक कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, 44 प्लस एक्स वाई या तो आप लिखोगे या फिर 46 कॉमा एक्स वाई, ठीक है। ये दोनों का मतलब क्या है, ह्यूमन मेल का जो जेनेटिक मेकअप है ये वो बता रहा है। अगर फीमेल की बात करें तो 44 प्लस एक्स एक्स और 46 कॉमा एक्स एक्स, ठीक है, ये दोनों तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो गाइज अब हम आते हैं एन्यूप्लॉइडी पे, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी के अंदर बेसिकली क्या होता है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, आइदर बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स। आई होप यूप्लॉइडी समझ में आ गई है सभी को। यूप्लॉइडी में पूरे के पूरे क्रोमोसोम का जो सेट है वो या तो ऐड होता है या डिलीट होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी के अंदर सिर्फ कुछ क्रोमोसोम्स, पूरा सेट नहीं जाएगा, कुछ क्रोमोसोम्स या तो डिलीट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे, उसे एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी कई तरह की होती है, जैसे कि मोनोसोमी, नलीसोमी, डबल मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल ट्राइसोमी, ठीक है। आइए इनको हम आगे देखते हैं। ओके, फर्स्ट इज मोनोसोमी। मोनोसोमी के अंदर क्या होगा, माइनस वन हो रहा है, 2n के अंदर से माइनस वन, मतलब कोई एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स बचे, 45, ठीक है। अगर वो फीमेल के अंदर हुआ है तो इसको हम लिख के जाएंगे XX, अगर यहाँ पे मेल होता तो यहाँ लिख देते XY, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आएगा, ठीक है।
और कौन से वाले क्रोमोसोम पे डिलीट हुआ है, कौन सा वाला क्रोमोसोम जो है डिलीट हुआ है, ये क्या है 21st। अच्छा इसको मोनोजोमी क्यों कहते हैं, क्योंकि अब ये जो 21st क्रोमोसोम जो है वो पहले 2n कॉपीज में प्रेजेंट था, अब सिर्फ इसकी n कॉपी प्रेजेंट है, तो ये क्या रह गया, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। अब ये क्या रह गया, अकेला रह गया, ठीक है, बाकी सब 2n है लेकिन 21st क्रोमोसोम जो है वो अकेला है, ठीक है, तो इसीलिए क्या इसको क्या कहते हैं, मोनोजोमी। एक है डबल मोनोसोमी, ठीक है, डबल मोनोसोमी को जनरली ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, दो क्रोमोसोम्स डिलीट हो रहे हैं, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स डिलीट हो रहे हैं, लेकिन जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस वाले नहीं है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सपोज अगर हम इसको लिखें तो अब टोटल कितने बचे, 44 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे मेल के अंदर है तो XY, फीमेल में है तो XX लिख देंगे। एक जो क्रोमोसोम है वो सेकेंड वाला डिलीट हुआ है और एक थर्ड वाला, तो ये जो दोनों है अकेले अकेले रह गए हैं, दोनों की NN कॉपीज जो है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर रह गई है, सो दिस इज डबल मोनोसोमी, ओके। अगर नेक्स्ट वाला देखिए, नलीसोमी, नलीसोमी, नल मतलब कोई सा भी नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पे डिलीट कितने हो रहे हैं, दो डिलीट हो रहे हैं और 44 वही बचा है, देखो ऊपर भी 44 ही है, यहाँ भी 44 ही है, ठीक है, दोनों में सेम है लेकिन, और यहाँ XX है और XY जो भी है, यहाँ पे 21st लिखा हुआ है, दो क्रोमोसोम डिलीट हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों की जो दोनों है वो कौन से वाले क्रोमोसोम डिलीट हो गए, 21st वाले दोनों डिलीट हो गए हैं। और नल का मतलब क्या होता है, जीरो, ठीक है ना, नल मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो क्रोमोसोम डिलीट हुआ है उसका कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नलीसोमी कहते हैं, इसमें दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो डिलीट हो गए, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, नलीसोमी कहेंगे, ठीक है, दोनों बाई बाई एक साथ ही चले गए सेल के अंदर से, ओके। डबल नलीसोमी में क्या होगा, डबल नलीसोमी में दो और दो, इसका मतलब चार क्रोमोसोम चले गए हैं, ठीक है ना, ये जो पहले दो गए थे अब इनके जो फ्रेंड्स थे दो वो और चले गए हैं, ठीक है, पहले 21st गया था अब 22nd भी चला गया, इसका मतलब दो जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के सेट दोनों ही लॉस्ट हैं, ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर सेल के पास सिर्फ 42 क्रोमोसोम्स बचे हैं, ठीक है, अब वो मेल में या फीमेल में जिसमें भी हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे XX और XY, ठीक है, तो ये हो गया डबल नलीसोमी, जहाँ पे दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके दो पेयर हैं जो गायब हो गए सेल में से, उसे कहेंगे डबल नलीसोमी, ओके गाइस। अब आते हैं ट्राइसोमी पे, ओके, ट्राइसोमी में क्या होगा, एक जो क्रोमोसोम है वो ऐड हो गया, इसकी एक और कॉपी आ गई है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है ये सपोज, ठीक है, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर पहले जो टोटल कितने हो गए 47, और जो फर्स्ट क्रोमोसोम है पहले इसकी कितनी थी, दो कॉपीज थी और अब एक और आ गई है, ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए 3n हो गया है, सो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी, ट्राई मतलब 3, ओके, सो 2n प्लस 1, एक जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है इसके पास। डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी मतलब एक और एक, दो यहाँ पे क्रोमोसोम ऐड हो गए हैं, ठीक है, 48 क्रोमोसोम से इस सेल के पास, एक तो फर्स्ट क्रोमोसोम का एक और कॉपी आ गया है, एक सेकंड क्रोमोसोम का एक और कॉपी आ गया है, तो अब ये जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है इसके अंदर फर्स्ट जो क्रोमोसोम है उसकी भी 3 कॉपीज हैं और जो सेकंड वाला क्रोमोसोम है उसकी भी 3 कॉपीज हैं, तो ये जो दो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है इनकी 3n 3n है, बाकी सब क्या है, 2n है, ओके। नेक्स्ट वाला देखते हैं, टेट्रासोमी, ठीक है, ओके, सॉरी, टेट्रासोमी है, ठीक है, टेट्रासोमी के अंदर क्या हुआ, जो दो जीन्स ऐड हुए हैं वो होमोलोगस, सॉरी, जो दो क्रोमोसोम्स ऐड हुए हैं दोनों के दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, 21st जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसकी अब कितनी, 4 कॉपीज आ गई हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर जो 21st क्रोमोसोम है वो 4n हो गया है, बाकी के जितने भी क्रोमोसोम्स है वो क्या है, 2n, ठीक है, इसे कहेंगे टेट्रासोमी, ओके गाइस।
सो नेक्स्ट वन डबल टेट्रासोमी। डबल टेट्रासोमी के अंदर वही होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर ये आ गया है और एक ये आ गया है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल में कितने हो गए, 50, ठीक है ना। और फर्स्ट और जो सेकंड क्रोमोसोम है दोनों की अब चार चार कॉपीज यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये सपोज फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, दोनों ही क्या हो गए, 4n 4n, ठीक है। तो ये हो गई, सॉरी ये एक ही है, एक ही न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, डबल टेट्रासोमी। ओके, अब गाइस जो ये ऑटोसोम जो एन्यूप्लॉइडी है उसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर कई तरह की जो डिजीजेस है वो देखी गई हैं, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल की, ठीक है। ऑटोसोमल का मतलब क्या है, ऑटोसोम्स के अंदर कोई एडिशन या डिलीशन हुआ है उसकी वजह से जो डिजीज होगा उसे क्या कहेंगे, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी इन ह्यूमंस। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एडवर्ड्स सिंड्रोम, ठीक है। एडवर्ड्स सिंड्रोम में क्या होता है, 47 हो गया है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ है, जो ऐड हुआ है वो कौन सा हो गया है, 18th क्रोमोसोम ऐड हुआ है इसके अंदर। अब क्या है, 18th क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट है, ठीक है। इस डिजीज को क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। 90% ऑफ द पेशेंट डाई इन इन्फेंसी, मतलब कि जो बच्चा है बर्थ के कुछ ही दिनों के अंदर उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्जेनाइटल एनोमलिटीज देखी जाती हैं, मेंटल और मोटर रिटार्डेशन इस बच्चे के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। 90% तो जो है उसी टाइम खत्म हो जाते हैं जस्ट आफ्टर बर्थ, बाकी 10% के अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। नेक्स्ट वाला देखिए पटाउस सिंड्रोम, इसको डी सिंड्रोम भी कहते हैं और इसको ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके नाम से यहाँ पता लग रहा है, ट्राइसोमी 13 मतलब एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम इसमें ऐड हो गया है, टोटल हो गया 47, ठीक है। मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है, और 13 जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसकी एक कॉपी और आ गई है, ठीक है। 13th क्रोमोसोम के लिए 3 कॉपीज अब इस पर्सन के अंदर प्रेजेंट होंगी हर सेल के अंदर, ठीक है ना। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑलमोस्ट सेम होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की तरह, ठीक है। बस हैंड्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर ट्रेट जो इसमें एडवर्ड्स में आते हैं वो इसमें नहीं आते, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट वही कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आएंगे जो एडवर्ड सिंड्रोम की वजह से आते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की बात करें, डाउन सिंड्रोम के अंदर कितने एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ऐड हो जाता है, कौन सा वाला, 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज इसके पास आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर क्या देखा जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, इम्प्रॉपर मसल एंड स्कल डेवलपमेंट, इस तरह के इश्यूज इस जो इस पर्सन के अंदर देखे जाते हैं। नहीं शुभम, कल की 5 PM की क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, बट आज होगी। ओके 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 गाइस, इसके अलावा एक मोज़ेक डाउन सिंड्रोम भी देखा गया है, ठीक है। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या देखा गया है, 1 to 2.5% जो डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मोज़ेक डाउन सिंड्रोम देखा गया है। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये पर्टिकुलर एक जो आपका है क्या है, जाइगॉट है, ठीक है। जाइगॉट के अंदर कुछ डिविजन्स के बाद में क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर डिविजन्स होने के बाद में एक सेल के अंदर जो है ये वाला ट्राइसोमी हो जाएगी, मतलब 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज बन जाएंगी। तो अब सपोज इस वाले में सपोज ये प्रॉब्लम हो गई है, बट अब ये जो तीनों सेल्स हैं ये तो सही है, इनके अंदर नॉर्मल डिविजन चल रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये जो सेल आगे जा करके जिस भी पार्ट को बना के जाएगा, ठीक है ना, जब ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, इस पर्टिकुलर जाइगोट का जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और ये जो सेल जो भी पार्ट बना के जाएगा उसके अंदर बेसिकली क्या देखा जाएगा कि ये जो डाउन सिंड्रोम के ज़्यादा सिम्टम्स दिखेंगे। तो जो मोज़ेक डाउन सिंड्रोम है इसके अंदर क्या है, ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं बाकी बॉडी के ये कैसे हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है। नॉर्मल का मतलब 46 क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर यह है पार्ट
यहाँ पे कुछ सेल्स के अंदर क्या देखेंगे हम, 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के अंदर जितने सिवियर सिम्टम्स देखे जा सकते हैं उससे थोड़े बहुत कम हो सकता है कि मोज़ेक डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन के अंदर हो। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली जायगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन के बाद ही ये प्रॉब्लम आ गई या फिर कुछ और डिविजन्स होने के बाद में जो ये ट्राइसोमी हुई है ये हुई है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि वो किस टाइम पे अब यहाँ पे ट्राइसोमी हुई, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इसकी सिवियरिटी डिसाइड होती है। और जनरली क्या देखा गया है, डाउन सिंड्रोम से इन पेशेंट्स के अंदर थोड़े कम सिम्टम्स उसी टाइप के मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर के अंदर किस तरह के सेल्स मिलेंगे, कुछ जो सेल्स हैं वो तो 46 क्रोमोसोम्स वाले नॉर्मल होंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ के अंदर 47 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। अब जो एक क्रोमोसोम आया है इसके अंदर कहीं से, वो डेफिनेटली कोई सेल डिवीजन में कोई प्रॉब्लम रह गई है जिसकी वजह से दूसरे सेल में जो जाना था वो इसमें आ गया है। तो जिसमें नहीं गया उसके पास कितने बचे, 45 क्रोमोसोम्स ही बचे, ठीक है। तो तीन तरह की केसेस हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे, कुछ में 47 होंगे, कुछ के अंदर 45 होंगे और बाकियों में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है ये चीजें भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। ओके गाइस, सो आगे देखते हैं। ये तो हमने अभी बात की थी वो कौन से डिजीजेस थे जिनके अंदर ऑटोसोमल जो ऑटोसोम्स जो थे, मतलब कौन से वाले क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व थे, ऑटोसोम्स। अभी अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो उनकी वजह से कौन से डिजीजेस होते हैं हम ये देखने जा रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है, एक है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर कितने 47 कॉपीज हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये मेल है लेकिन इसके पास एक्स की कितनी कॉपीज आ गई हैं, 2 कॉपीज ऑफ एक्स, ठीक है, 2 कॉपीज ऑफ एक्स, ठीक है। और वाई की एक ही कॉपी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, मेल सब फर्टाइल विद स्मॉल टेस्टीज, क्योंकि डबल एक्स आ गया है तो इसके अंदर फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनके लॉन्ग लिम्स होते हैं, इनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है और फेमिनाइन पिच्ड वॉइस इनकी होती है, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम फाउंड इन मेल, ठीक है। नेक्स्ट वाला है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये फीमेल्स के अंदर होता है और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही एक्स रह जाता है, एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके पास कितने क्रोमोसोम बचे, 45, ठीक है। इसकी इस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर क्या होगा, रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर, वेबिंग ऑफ स्किन इन द नेक, नेक की जो स्किन है उसके अंदर वेबिंग देखी जाती है और इसके अंदर तरह तरह की जो है कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम, जो किसमें होता है, फीमेल्स के अंदर देखा गया है। और जो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है वो किसके अंदर देखा गया है, मेल्स के अंदर देखा गया है। ओके गाइस, सो यहाँ एक और हम देखते हैं, एन्यूप्लॉइडी इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है, जो सेक्स उसका डिसाइड होगा वो उसके ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम सेट और जो एक्स क्रोमोसोम है वो डिसाइड करके जाते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग बन रही है वो क्या बन के जाएगी, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 3 है, ठीक है, ये वाली ऑफस्प्रिंग है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम 3 है लेकिन इसकी ऑटोसोम सेट कितने हैं, 2 ही ऑटोसोम्स के सेट हैं, ठीक है। तो अगर अपन निकालें एक्स क्रोमोसोम इस टू ऑटोसोम सेट का अगर जो रेशियो निकालें तो कितना आ रहा है, 1.5 एक्स टू ए रेशियो वाले जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैं वो क्या बनेंगे, मेटा फीमेल, ठीक है। इन्हें हम और क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं सुपर फीमेल्स कहते हैं, ठीक है, सुपर फीमेल्स, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन है, यहाँ पे 4 जो है एक्स क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पे 3 सेट ऑफ ऑटोसोम्स हैं। मैं सेट ऑफ ऑटोसोम्स की बात करके जा रही हूँ, ठीक है, सिंगल ऑटोसोम नहीं, यहाँ पे सेट ऑफ ऑटोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और 3 ऑटोसोम सेट हैं। अगर 4:4:3 करके देखें तो क्या आ रहा है, 1.33, ये भी मेटा फीमेल ही बनेगा, ठीक है।
यहाँ पे फोर क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स है और फोर ही ऑटोसोम्स है, तो वन आ गया। ठीक है, जब ये रेशियो वन आता है तभी क्या है, नॉर्मल फीमेल बनती है। ठीक है, नॉर्मल फीमेल कब बनेगी, जब रेशियो वन आएगा ऑटोसोम सेट और एक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, यहाँ पे थ्री थ्री, यहाँ पे भी वन आ रहा है तो नॉर्मल फीमेल। ठीक है, यहाँ पे टू एक्स क्रोमोसोम है, टू ऑटोसोम सेट है, अगेन वन आ रहा है, तो इन तीनों कंडीशंस में नॉर्मल फीमेल बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं, टू और ऑटोसोम थ्री हैं। ठीक है, अब जो आ रहा है वो कितना रेशो आ रहा है इनका, 0.66। इस कंडीशन में जो बनेगा उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्सुअल, मतलब ना तो ये मेल होगा ना फीमेल होगा। ठीक है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिक्स हमें देखने को मिलेंगे, इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्स। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, वन एक्स क्रोमोसोम है और टू ऑटोसोम्स है, यहाँ पे 0.5 जो एक रेशियो आता है। ठीक है, 0.5 जो रेशियो है वही नॉर्मल मेल बनेगा। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है, नॉर्मल फीमेल के अंदर रेशियो वन आएगा, नॉर्मल मेल के अंदर रेशियो 0.5 आएगा। ठीक है, ये दो ही कंडीशन है जब नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, ये यहाँ पर ये वन है और ये थ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.33 आ रहा है, ये मेटा मेल बनेगा। ओके गाइज, इसको और क्या कहते हैं, सुपर मेल कहते हैं। और जो सुपर मेल एंड सुपर फीमेल्स हैं, इनकी जो वायबिलिटी है, मतलब इनकी जो लाइफ है, वो बहुत कम होती है। ये ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम टाइम जब जायगोट फॉर्म में ही होते हैं, उसी टाइम पे ये मतलब ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये बन नहीं पाते हैं पूरी तरह से, बहुत ही कम इनकी वायबिलिटी होती है, दे हैव वेरी लो वायबिलिटी। ओके, और नॉर्मल फीमेल बनेगी जब एक्स इज टू ए रेशो वन होगा, और नॉर्मल मेल बनेगा जब एक्स इज टू ए रेशो जो है वो 0.5 होगा। ओके, सिंड्रोम सौजित, सिंड्रोम एक पर्टिकुलर डिजीज को नाम दिया जाता है। ठीक है, और सिम्टम्स तो वो है जो हमें दिखाई देते हैं। सिम्टम का मतलब, अगर सपोज किसी का हेयर लॉस हो रहा है तो वो सिम्टम है, दिखाई दे रहा है हमको कि हेयर लॉस हो रहा है। कई लोगों के अंदर स्किन पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम सिंड्रोम थोड़े ना बोल देंगे, वो तो मतलब सिम्टम दिख रहे हैं कि इसको कोई ना कोई जो है मेलानिन से रिलेटेड डिजीज हुआ है, जिस वजह से स्किन के ऊपर वाइट पैचेस दिख रहे हैं, तो वो क्या है, सिम्टम्स दिख रहे हैं। अगर आपको फीवर आता है तो उस फीवर को हम सिम्टम कहेंगे, ठीक है ना, डिजीज नहीं बता सकते। तो सिंड्रोम बेसिकली जो है एक डिजीज को बोला जाता है, ठीक है, उस डिजीज को नाम जो दिया जाता है उसे सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं, अगर गाइनेंड्रोमॉर्फ की बात करें तो एक जो कंडीशन है गाइनेंड्रोमॉर्फ वाली भी बनती है ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जो ड्रोसोफिला है वो कैसा बनेगा, ये सपोज ड्रोसोफिला है, ठीक है, ये ड्रोसोफिला है, ये जो ड्रोसोफिला है इस पर्टिकुलर गाइनेंड्रोमॉर्फ कंडीशन के अंदर हाफ जो है वो तो कैसा बनेगा, मेल बनेगा, और हाफ जो है वो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है देखते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स इन वन पार्ट ऑफ बॉडी एंड मेल कैरेक्टर्स इन द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो है एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो चला गया है। एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रेशियो आ गया है, 0.5 एक्स इज टू ए का, और यहाँ पर जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स अपॉन ए का जो रेशियो है वो कितना है, 1, और यहाँ पर एक्स अपॉन ए का जो रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे आ गया 0.5। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने देखा था, अगर 0.5 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या बन रही है, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, अगर उस कंडीशन के अंदर जो एक एक्स क्रोमोसोम है इसका, दो की जगह एक कम हो जाए तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग है इसके अंदर जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो पहले इसके पास सपोज दो एक्स क्रोमोसोम थे और दो सेट ऑफ ऑटोसोम्स थे। ठीक है, बट डिवीजन के टाइम क्या हुआ, एक जो एक्स है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर यहाँ पे लॉस्ट हो गया। ठीक है ना,
तो इस कंडीशन में आप इसके पास दो ऑटोसोम्स है और एक एक्स क्रोमोसोम है, 0.5 रेशो यहाँ पे हो गया है। तो ये जो पर्टिकुलर सेल्स, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, और ये कब होगा, जब इसके अंदर स्टार्टिंग में वही जब जाइगोट के अंदर डिविजन्स हो रहे होंगे, इसी फेज के अंदर यहाँ पे इस पार्ट के पास में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया है, एक एक्स है और दो ऑटोसोम्स हैं, और इसके पास नॉर्मल वाला ही सिचुएशन है, दो एक्स दो ऑटोसोम्स। तो ये तो क्या बना के जाएगा, फीमेल। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसकी जो सेल्स हैं उनके अंदर क्योंकि रेशो 0.5 हो गया है, तो यहाँ पे क्या बना के जाएगा, ये यहाँ पे पर्टिकुलर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हाफ जो सेल्स हैं उनके अंदर जो रेशो है 1, वो फीमेल वाले पर्टिकुलर सेल्स डिवाइड करेंगे, वैसे वाले डेवलपमेंट करेंगे, और जिसके अंदर रेशो 0.5 है वो मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस साइड यहाँ पे डेवलप करेगा। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, गाइनेंड्रोमॉर्फ बनेगा। इसे क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। ओके गाइज, तो आई होप ये समझ में आ गया है एन्यूप्लॉइडी की क्यों होती है ये सारी चीजें जो है, हम 5 o'clock क्लास में अभी पढ़ते हैं, इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइज, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे अभी पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर 5 o'clock क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं बाद में भी, ठीक है। एंड गाइज, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इन चीज़ों के आप नोट्स बना लें, तो आपको आगे तक अभी जो आपका आने वाला है, ठीक है, जो जून वाला जो आगे शिफ्ट हो गया है एग्जाम, इसके अंदर भी आपको ये हेल्पफुल होंगी। अगर आप नेक्स्ट दिसंबर वाला भी देना चाहें तो आपको ये तब हेल्पफुल होंगी। एक बार सिर्फ वीडियो देख लेने से काफ़ी नहीं होगा, आपको इसके नोट्स बना लेने चाहिए, तो आपके पास लाइफ लॉन्ग ये नोट्स रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जेनेटिक्स कंप्लीट करवा दी है, मोस्टली टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है, और जितने टाइप के क्वेश्चंस जेनेटिक्स में बनते हैं वो सभी हमने इन वीडियोस में कवर किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी आप ज़रूर सजेस्ट करें, ठीक है, उनको लिंक फॉरवर्ड कर दें ताकि वो लोग भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द 5 PM क्लास। ओके, थैंक यू।